जहां मौसम बदला है वहां मानसून भी अपना रूप दिखा रहा है। जहां पहले तबाही नहीं थी वहां अब बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही है, लेकिन इस मामले में छत्तीसगढ़ सौभाग्यशाली रहा है। दरअसल देश के कई राज्यों में मानसून आज भी मेहरबान है। मौसम विभाग ने अभी भी बारिश से राहत नहीं मिलने की चेतावनी दी है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में बन रहे डिप्रेशन की वजह से आसपास के राज्यों ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में आज हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। इसी प्रकार यूपी बिहार में भारी बारिश संभव है। वहीं उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लैंडस्लाइड का खतरा है। अब राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी इस सूची में जुड़ गए हैं। पहले बिहार और यूपी ही ज्यादातर बारिश में जलमग्न हुआ करते थे, लेकिन अब राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी इस सूची में शामिल हो गए हैं। इससे साफ तौर पर दिख रहा है कि भारत का फ्लड मैप बदल रहा है। पहले के नक्शे में सिर्फ यूपी, बिहार, उत्तर पूर्वी राज्यों में बाढ़ का खतरा दिखाई देता था, लेकिन अब देश के जो इलाके पहले सूखे के लिए जाने जाते थे, अब वहां तेज बारिश होती है, भयानक बाढ़ आती है या फिर दोनों ही स्थितियां पैदा हो रही हैं। अगर एनडीएमए यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अथॉरिटी की माने तो सबसे ज्यादा बाढ़ वाले इलाके गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है। उत्तर में हिमाचल से लेकर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश, लेकिन अब तो तटीय राज्यों ओडिशा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कुछ हिस्सों में भी बाढ़ आ रही है। आईपीई ग्लोबल और ईएसआरआई इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुजरात के 80% जिलों में पिछले 2 दशकों में बारिश की मात्रा और तीव्रता दोनों ही बढ़े हैं। 1973 से 2023 तक होने वाली सभी चरम आपदाओं की स्टडी इस नई रिपोर्ट में की गई है। देश में पहले 110 जिले थे जो सूखे से बाढ़ की तरफ गए थे, लेकिन अब सूखे से ज्यादा बाढ़ झेलने वाले 149 जिले हैं। बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और असम जैसे राज्यों के 60% जिले साल में एक बार जरूर चरम मौसमी आपदा का सामना करते हैं। इस रिपोर्ट की माने तो 2036 तक ऐसी आपदाओं से देश के 147 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। ये स्टडी करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक ने बताया कि अब गर्मी जमीन से बहकर समंदर की ओर जा रही है, जैसा अभी गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हुआ। इससे समंदर की गर्मी और बढ़ रही है। इसका असर मौसम पर पड़ता है, जैसे दक्षिण भारत में श्रीकाकुलम, कटक, गुंटूर और बिहार का पश्चिम चंपारण जो जाना जाता था, अब वहां सूखा पड़ा रहा है। ये खास तौर पर मैदानी इलाकों में ज्यादा हो रहा है। हैरानी इस बात की है कि मानसून में मौसम थोड़ा ठंडा होता था, लेकिन इस बार गर्मी कम नहीं हो रही है। पूर्वी राज्यों में सूखे और गर्म दिनों की संख्या बढ़ रही है। मौसम विभाग के पूर्व वैज्ञानिक ने बताया है कि जलवायु परिवर्तन और बढ़ता तापमान सबसे बड़ी वजह है। सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में अच्छी बारिश के बावजूद भी बाढ़ की स्थिति निर्मित नहीं हुई है। राजधानी रायपुर भी एक समय में बारिश के मौसम में जलमग्न रहता था, लेकिन इस बार प्रदेश में अब तक 948.0 मिलीमीटर औसत वर्षा राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बनाए गए राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष द्वारा संकलित जानकारी के मुताबिक 1 जून 2024 से अब तक राज्य में 948.0 मिलीमीटर औसत वर्षा दर्ज की जा चुकी है। हालांकि बस्तरी इलाकों में बाढ़ की स्थिति रही है, लेकिन तबाही की स्थिति नहीं बनी है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में आज तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने रायपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ अलर्ट जारी किया है। कल शाम शहर में करीब घंटे भर तक भारी बारिश के चलते 3 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भर गया है। मौसम विभाग ने रायपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी के साथ अलर्ट जारी किया है। सोमवार यानी आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ वज्रपात व भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस